हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। टू मासेस M1 एंड M2 आर टाइड टुगेदर एट द टू एंड्स ऑफ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। ये दो मासेस हैं M1 M2 और ये फ्रिक्शनलेस पुली है और इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग लाइट। ठीक, व्हेन द मास M2 इज ट्वाइस, पहला केस है मास M2 इज ट्वाइस दैट ऑफ M1। केस वन कि M2 मास इक्वल टू ट्वाइस ऑफ M1, द एसेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज A1, और एसेलरेशन कितना है सिस्टम का, वो A1 है। व्हेन द मास ऑफ M2 इज थ्राइस दैट ऑफ M1, द एसेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज A2, द रेशियो ऑफ A1 A2 विल बी। देखो इसे एक ट्रिक से बताऊंगा मैं आपको, इस ट्रिक को सीखोगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। जैसे समझिए, ये तो आपको लिए आपकी, ये आपका मास M1 है और ये आपका मास M2 है और ये ट्वाइस ऑफ M1 है। तो देखो इसका वेट नीचे तरफ लिखे हैं 2m1g, इसका एफबीडी बनाए 2m1g, इसका एफबीडी बनाए M1g, इसमें टेंशन थी, इसमें भी टेंशन थी। ठीक है, और ये मास है ज़्यादा तो इसलिए ये A1 एसेलरेशन से इधर चलेगा और ये A1 एसेलरेशन से ऊपर, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है तो जितने एसेलरेशन से ये नीचे जाएगा उतने एसेलरेशन से ये ऊपर आएगा। अब आपको करना क्या है, आप इस पूरे डायग्राम में से इस स्ट्रिंग को उतार लीजिए और सीधा कर लीजिए, एक सीधा सिंपल सा इस डायग्राम को आप ऐसे बना लीजिए, देखो शॉर्टकट में सीधा उतार के, ये M1 है और ये स्ट्रिंग लगी हुई है, ये M2 है। जब उतार लेंगे सीधा तो ये इधर की तरफ हो जाएगा 2M1G और ये इधर की तरफ हो जाएगा M1G। देखिए ना, एक्सेलरेशन 2M1G की दर्शन में है या M1G की दर्शन में, 2M1G की दर्शन में नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो पूरे सिस्टम में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है A1। ये इंटरनल फोर्सेस हैं T1T, इसको नहीं शो करेंगे, इसको छोड़ देंगे और इसको एक पूरा सिस्टम मान लेंगे, इसको आप सिस्टम मान लीजिए। हियर यहाँ M2 इज इक्वल टू 2M1 है, इसको एक वन सिस्टम मान लो। पहले आप इसको सीधा कर लो, एक सिस्टम मान लो, टेंशन शो नहीं करते, बाकी के सारे जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो सब शो कर देंगे लेकिन टेंशन नहीं शो करना है, टेंशन यहाँ कर रहे हैं। यहाँ अगर टेंशन जरूरत पड़ेगी तो यहाँ FBD बना के मैं इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, मैं एसेलेरेशन कैसे निकालूंगा वो बता रहा हूँ। अब देखो इसको पूरा एक सिस्टम मान लें, एक बॉडी, सिंगल बॉडी, वो सिंगल बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक 2M1G और एक M1G, और ढलन कैसी है, अपोजिट। नेट फोर्स निकाल लो सिस्टम पर, नेट फोर्स ऑन सिस्टम, जब इस पूरे को आप इस पूरे को एक सिस्टम मान लो, एक बॉडी कंसिडर कर रहे हो, उसमें दो फोर्स लग रहे हैं, एक 2M1G और एक M1G, और डजन कैसी अपोजिट, नेट कैसे निकालते हैं, सब्ट्रैक्ट करके 2M1G माइनस M1G, और नेट फोर्स सिस्टम पर लग रहा है, सिस्टम का टोटल मास लिखना है, मास इंटू एसेलरेशन। नेट फोर्स क्या होता है, मास इंटू एसेलरेशन, लेकिन सिस्टम का मास है तो पूरे सिस्टम का मास कितना हो जाएगा, M1 प्लस 2M1 इंटू एसलरेशन A1, और ये हो गया घटाने के बाद M1G, ये 3M1 हो गया, A1 बराबर M1G। देखो एक लाइन में निकल आया एसलरेशन, A1 बराबर G/3, तो सबसे पहले मेरे को एसलरेशन A1 ही चाहिए था। देखो ये फर्स्ट केस समझ में आया होगा, सिमिलरली ऐसे सेकेंड केस करना है। सेकेंड केस में वो हमसे क्या कह रहा है कि डायग्राम तो यही है, पुल ये है, अब के मास M1 ही है और ये वाला जो मास है ये थ्राइस कर दिया है, थ्राइस ऑफ M1, तो इसका जो वेट होगा नीचे की तरफ वो 3M1G है ना। यहाँ टेंशन में इसे T डैश कर देता हूँ, इसको भी T डैश कर देता हूँ, ये इसका वेट M1G। एक्सेलरेशन अभी भी नीचे की तरफ ही होगा,
ए टू, तो इसमें एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हुआ ए टू, ठीक है, पुली नहीं चल रही इसमें, पुली रेस्ट में। तो देखो ऐसे जब भी कोई डायग्राम बनाता है ना, तो ये एबिट तो मैंने बना दिया, लेकिन जब भी ये एक्सेलरेशन पूछना हो तो उसको करने का तरीका भी मैंने बताया। आप इसको, इस डायग्राम को रीड्रॉ कर लीजिए और ऐसे ना लीजिए, ये एम वन, ये स्ट्रिंग, और ये एम टू, और एम टू इक्वल टू 3 m1। इस इधर की तरफ इस पर फोर्स लग रहा है 3 m1g, और इधर की तरफ इस पर लग रहा है m1g। एसिलेशन की तरफ देखो 3 m1 जैसी है, इसीलिए इस पूरे सिस्टम का एसिलेशन जो है वो सेम है, वो इधर की तरफ है ए टू। इसे एक सिस्टम मान लिया पूरे, फिर वही नेट फोर्स निकाल दो सिस्टम पर, नेट फोर्स ऑन सिस्टम। तो सिस्टम पर नेट फोर्स लगे हैं तो टेंशन को शो नहीं करते हैं, और टेंशन को शो नहीं कर रहे हैं तो एक दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक 3 m1g और एक m1g। इस पूरे को एक बॉडी मानो, उस पर दो फोर्स लग रहे हैं, 3 m1g और माने m1g, दर्शन अपोजिट है। नेट कैसे निकाले, सबट्रैक्ट करके, 3 m1g माइनस m1g, दर्शन अपोजिट है ना। और नेट फोर्स लिखें टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन, पूरे सिस्टम का टोटल मास, सिस्टम का मास लिखना है, सिस्टम का मैंने पूरे सिस्टम को एक माना है ना, m1 प्लस 3 m1, और एक्सेलरेशन कितना है ए टू, बराबर इसमें से घटाया 2 m1g, ये 4 m1 a2 बराबर 2 m1g, m1 से m1 के आंसर, देन a2 इज इक्वल टू g/2। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया, ठीक। अब पूछा क्या है आपसे, इक्वेशन नंबर 2 रेशियो पूछ रहा है ए वन रेश टू का। ये शायद जी वाई कितना आया था, 3, ये g/3 आया है, और ये g/2, जी से तो जी के आंसर, एंड 2:3, तो ए वन रेशियो ए टू बराबर 2:3, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इसलिए इसका आंसर चॉइस है वो सेकंड चॉइस, बी, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।